हेलो फ्रेंड्स, बेटा यह फाइटर फिश की ब्रीडिंग एकदम इजी है। ये सच है क्या? हाँ, ये सच है अगर आप कुछ नियमों को ठीक से पालन करें तो। उसके बाद क्या? सबसे मुश्किल पार्ट यहीं से शुरू होता है, मतलब बेटा या फाइटर फिश के बच्चे को जिंदा रखना और उसे बड़ा करना। आज हम देखेंगे कैसे कुछ सिंपल लेकिन जरूरी नियमों को पालन करके हम लोग इजीली एकदम आसान तरीके से हम बेटा या फाइटर फिश के बच्चे को, मैक्सिमम बच्चे को जिंदा रख सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप लोगों को भी इजीली अच्छे से बेटा ब्रीडिंग करके उसके बच्चे को बड़ा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब बेटा या फाइटर फिश ब्रीडिंग के बाद उसके बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं और उसके सपना, बच्चे को बड़ा करने का सपना पूरा करते हैं। दोस्तों, ये बेटा या फाइटर फिश के बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये अंडे से अभी अभी निकले हैं। बेटा ब्रीडिंग सही तरीके से कैसे करते हैं, इसके वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में एवं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बेटा फिश के अंडे को सुरक्षित रखने के लिए पानी का क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडे में बैक्टीरिया या फंगस को इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर मेल बेटा फिश इन्फेक्टेड या अनफर्टिलाइज्ड जो अंडे होते हैं उसको खा लेते हैं। इससे फर्टिलाइज्ड एग सुरक्षित रहते हैं। मेल बेटा फिश अपने फर्टिलाइज्ड अंडे को अपने बबल नेस्ट की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता रहता है। इसलिए अगर पहले आप जहाँ अंडे को देखे थे वहाँ पर अगर नहीं है तो परेशान मत होइए। हाँ, ये बात अलग है, कुछ कुछ मेल बेटा अपने अंडे को खा लेते हैं। ये बहुत कम ही होता है। अगर वो डर जाता है और ब्रीडिंग टैंक के में कुछ हलचल होता है तो वो अपने अंडे को खा सकते हैं, अपने बच्चे को भी खा सकते हैं। इसलिए ब्रीडिंग टैंक हमेशा एक शांत जगह जहाँ हलचल ना हो वहीं पे रखिए। ब्रीडिंग टैंक के पानी कैसे तैयार करते हैं ये आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताए हैं उससे बेटा फिश के अंडे बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से 100% सेफ रहेगा। मेल बेटा को मैं 4 दिन तक ब्रीडिंग टब में रखता हूँ, जब तक ना बच्चे फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं। जब बच्चे फ्रीली स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं तब मेल बेटा को मैं उठा के, वहाँ से उठा के अपने जगह में रख देता हूँ। बेटा फ्राई यानी इस फाइटर फिश के छोटे छोटे बच्चे को हमें खाना देना है। ये पहला खाना क्या है? ये पहला खाना है इन्फ्यूसोरिया। देखिए, आप जो पानी में जो सफ़ेद चीज़, जो एकदम छोटा छोटा बेटा फिश से भी छोटा जो सफ़ेद चीज़ घूम रहा है पानी में, इसको ही इन्फ्यूसोरिया या इन्फोसोरिया बोलते हैं। देखिए, ये जब ब्रीडिंग टैंक जैसे हम सेटअप किए थे इसे क्या होता है, इसमें कुछ इन्फोसोरिया इस 4 दिन में ब्रीडिंग के प्रोसेस के दौरान तैयार हो जाता है। लेकिन बेटा फिश के ब्रीडिंग शुरू करने से पहले हमें इन्फोसोरिया या इन्फ्यूसोरिया का कल्चर रेडी रखना है, क्योंकि ये तैयार होने में 3 या 4 दिन टाइम लगता है। इसलिए हमें वो कल्चर पहले रेडी करना है। इन्फ्यूसोरिया के कल्चर कैसे रेडी करते हैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चौथे दिन आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे थे अब वो फ्रीली स्विमिंग कर रहे हैं। अब मेल बेटा फिश को यहाँ से ब्रीडिंग टब से हम हटा लिए हैं।
अब इन लोगों को इन्फोसोरिया खाने के लिए देना है। ये कल्चर में अलग से करके रखा हूँ। अभी ये क्या कर रहा है, जो ब्रीडिंग टब में इन्फोसोरिया था उसमें ही वो फिट कर रहे हैं, मतलब वही खा रहे हैं वो अब तक। और अब चौथे दिन इससे काम नहीं होगा, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, बच्चे लोगों को कभी भी भूखा नहीं रखना है, उसे एटलीस्ट थ्री टाइम्स एक दिन में 3 बार खाना देना है, सुबह, दोपहर को और एक बार शाम को या रात को। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा इन्फोसोरिया कल्चर है, ये मैंने बहुत बेटा ब्रीडिंग स्टार्ट करने से 2 दिन पहले ही तैयार कर लिए थे, और इससे हम यहाँ से हम इन्फोसोरिया लेके बच्चे लोगों को खिलाएंगे। इन्फोसोरिया देने के लिए आप कोई ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। इन्फोसोरिया युक्त पानी ब्रीडिंग टब में ड्रॉपर से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि चौथे दिन के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए अगर उसे बगल में खाना मिल जाता है तो वो इजीली खा सकेंगे और जल्दी बड़ा हो जाएंगे। दोस्तों इन्फोसोरिया एक कोशीय जीव है, छोटे छोटे जो फाइटर के बच्चे होते हैं उसके लिए ये पहला खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इंसेक्टिवोरस जीव है, इसलिए वो शिकार करना पहले दिन से सीख जाते हैं। फ्यूचर में जब हम इन छोटे छोटे बच्चों को बेबी ब्राइन सिम या डाफनिया खिलाएंगे तो इन्हें मालूम होगा कि इसे उसे पकड़ के खाना है, इसलिए वो अभी से ट्रेंड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कैसे इन्फोसोरिया पकड़ के खा रहे हैं, ये इसका पहले शिकार है, इसके लाइफ में पहले शिकार है ये इन्फोसोरिया या इन्फोसोरिया। कि आप बेटा ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिए हैं, आपके पास इन्फोसोरिया कल्चर रेडी नहीं है, अब इस सिचुएशन में आप इन छोटे छोटे बच्चे को क्या खिलाएंगे? इस सिचुएशन में और इस केस में आप जो मुर्गी का अंडा है उसको अच्छे से हार्ड बॉयल करके उसके जो अंदर का पीला हिस्सा है इसे पानी में थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, इसे पानी में घोल के आपको ड्रॉपर से इक्वली पूरा टैंक में डाल देना है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि ये पानी को एकदम गंदा कर देगा, इसलिए बच्चे का जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगा, मतलब मॉर्टलिटी रेट हाई होगा। इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो स्नेल हिंदी में क्या बोलते हैं हमको ठीक मालूम नहीं है, वो बंगला में उसको सामुक बोलते हैं, वो जो स्नेल मिलता है उस वो 2-3 स्नेल आप बच्चे के टैंक के अंदर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जो पानी के अंदर जो बच्चे खाने के बाद एक्स्ट्रा फूड रह जाएगा, एक्स्ट्रा जो अंडे का पीला हिस्सा रह जाएगा उसे वो खा लेंगे। इस केस में आपको ब्रीडिंग टब में कुछ पानी के पौधे भी डालना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब आप अंडे देंगे ये पानी में घोल के पानी में नाइट्रेट का लेवल, अमोनिया का लेवल हाई कर देता है, ये अमोनिया फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जो पानी के पौधे का खाना है, वो पानी के पौधा उसे पानी से सोख लेंगे और पानी फिर से ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपको 2 दिन अंतर पानी को चेंज करना है, और छोटे बच्चे को पानी का चेंज करने के लिए करने से उसका मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो दोनों ही केस में अंडे का पीला हिस्सा बढ़िया खाना है, पौष्टिक आहार है, लेकिन मॉर्टलिटी रेट के लिए वो ठीक नहीं है। तो फिर उसे क्या खाना दे जिससे कि मॉर्टलिटी भी कम रहे और पानी भी गंदा ना हो? तो इसके लिए हम 8वें दिन से इधर उन लोगों को देंगे बेबी ब्राइन स्ट्रीम, किसी भी फ्राई के लिए ये सबसे अच्छा खाना है, यानी एंजल फ्राई, बेटा फ्राई, गप्पी फ्राई, किसी भी मछली के छोटे बच्चे के लिए उनके ग्रोथ के लिए ये सबसे बेहतर खाना है। इससे पानी भी साफ रहता है, क्योंकि ये जो बेबी ब्राइन स्ट्रीम है ये 3 घंटे तक पानी में जिंदा, मीठा पानी में जिंदा रह सकता है। जो एक्स्ट्रा
रह जाता है वो जब मर जाता है तो उसे घोंगे या स्नेल जो डाल रखे हैं हम बच्चे के टैंक में वो खा लेते हैं। इससे पानी एकदम साफ रहता है। दोस्तों ये मेरा ब्राइन सिंप हैचरी है, इसे मैंने घर में ही बनाया है। ये कैसे बनाते हैं इसके भी एक वीडियो दिया हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो ब्राइन सिंप है इसको निकालने के बाद उसका प्रोसेस जो है वो दूसरे उस वीडियो के दूसरे पार्ट में आएगा, और इसको निकालने के बाद थोड़ा मीठा पानी से धो देना चाहिए। ये मैंने कोई चीज़ नहीं ख़रीदा है, सिर्फ ब्राइन सिंप एक ख़रीदा है और बाकी जो है वो घर के जो जुगाड़ है वो जुगाड़ से हम चला रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम बेबी ब्राइन सिंप निकला हुआ है। ये बीटा फ्राई के दूसरा शिकार है, इसे खाने से बीटा फ्राई का ग्रोथ बढ़िया होता है, वो जल्दी बड़ा हो जाता है। सिर्फ 2 हफ्ते में यानी 14 दिन में आप देख सकते हैं ये कितने बड़े हो गए हैं और ये कितने चाव से ब्राइन सिंप का शिकार कर रहे हैं। दोस्तों ये ब्राइन सिंप का अंडे जो मिलता है ऑनलाइन में वो बहुत कॉस्टली फूड है, उसका 50 ग्राम का दाम लगभग 500 रुपया आता है। तो अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसको हम डाफनिया खिला सके। डाफनिया से क्या होगा, आप अगर डाफनिया कल्चर घर में कर लिए हैं या फिर आपके पास कोई संसाधन है जिससे आप डाफनिया का जुगाड़ कर सकते हैं तो आप डाफनिया खिलाइए इन 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि इससे उसका ग्रोथ भी और ज़्यादा होगा और उसका कलर भी बढ़िया आएगा, और डाफनिया उन लोगों का नेचुरल फूड है। तो इसलिए 2 हफ्ते के बाद मैं डाफनिया खिलाता हूँ और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दोस्तों ये मेरा डाफनिया और मोइना कल्चर है, मैंने दोनों को ही एक ही जगह कल्चर एक ही जगह तैयार किए हैं। ये एकदम इजी, एकदम आसान तरीके से घर में एकदम सस्ते में ये कल्चर मैंने किए हैं। कैसे किए हैं ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। दो हफ्ते के बाद ये बेटा फ्राई जो अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है इन्हें अब डाफनिया खिलाऊंगा। डाफनिया का एक पॉजिटिव साइड ये है कि आप अगर ज़्यादा भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाफनिया मीठे पानी में ज़िंदा रह सकता है और वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, इसलिए वो अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं दिन में दो बार एक बार सुबह को और एक बार शाम को इन बेटा फ्राई को डाफनिया खिलाऊंगा, और 7 दिन बाद आप इसे ड्राई फूड खिला सकते हैं और ट्यूबीफ्लेक्स भी खिला सकते हैं। ट्यूबीफ्लेक्स के आने से वो ज़्यादा बड़ा होगा, जल्दी बड़ा होगा और उसका कलर भी बढ़िया आएगा। हफ्ते में 2 बार लाइव फूड डाफनिया हो या ट्यूबीफ्लेक्स हो आप खिलाइए तो बेटा फ्राई जल्दी बड़ा होता है और उसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है और उसका मॉर्टलिटी रेट भी कम रहता है। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है, मेरे इस परिश्रम के इनाम के तौर पर एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो थैंक यू, और इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और मुझे एक मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छा वीडियो और लाने के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।